दरभंगा जिला के अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के बैनर तले दरभंगा के हायाघाट से पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने अपने आवास दरभंगा में एक प्रेस वार्ता रख बड़ा आरोप दरभंगा के मनोकामना मंदिर के पुजारी और उनके परिवार पर लगाया है। दरभंगा में आपको बता दें कि लगभग कुछ महीनों से दरभंगा के ये जो कार्यकर्ता हैं, खासकर हिंदू सेवा जो जागरण सेवा समिति है उसके जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार हनुमान चालीसा शनिवार को करते थे। हनुमान चालीसा के बाद यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ जुटना शुरू हुआ। इसके बाद भंडारा भी शुरू होने लगा, भव्य तरीके से भंडारा और हनुमान चालीसा होना शुरू हुआ। इसको देख कहीं ना कहीं कुछ लोगों में खलबली मचने लगी और लोग इसके लिए परेशान होने लगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, अमरनाथ गामी ने एक बड़ा दावा किया है, कहा है कि पंडित जो वहाँ के हैं वो लगातार हमारा विरोध करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर हनुमान चालीसा हो, वहाँ पर यहाँ कोई ऐसा कोई पाठ चले। तो बड़ा आरोप अमरनाथ गामी ने मनोकामना मंदिर के पुजारी पर लगाया है। इसके आगे हम आपको दिखाएंगे, इंटरव्यू सुनाएंगे, अमरनाथ गामी ने क्या कहा है। ये भी बात जरूरी है, ये बात करना भी जरूरी था, नहीं तो आप लोग कहते इतना तरह का बात हुआ कभी शेयर नहीं किए। कारण प्रभु के दरबार में जाते हैं, पुजारी से झगड़ा उचित नहीं है, न करेंगे न करना चाहते हैं, लेकिन भक्ति तो करेंगे। और भक्ति के बीच में व्यवधान पैदा लेगी, मारपीट का माहौल खड़ा होगा, हमारे सदस्य पीटेंगे, उससे अच्छा है कि आगे प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलेगा तो इस काम को बंद कर देंगे या जारी रखेंगे। आपसे भी पूछते हैं, इस कारण से आज विशेष रूप आयोजन से मंदिर के पुजारी जी नाराज चल रहे हैं। नाराजगी इतना है कि वो आयोजन उस स्थल पर नहीं है। आप जब भी गए होंगे मंदिर पर तो मंदिर के आंतरिक व्यवस्था से संता को कोई मतलब नहीं रहता। मुख्य सड़क पर बैठते हैं, महिला लोग दाएं साइड बैठती है। अब समझ लीजिए उनका दर्शन करके सब लोग बाहर बैठे, आधा घंटा भजन हुआ, 15 मिनट हनुमान चालीसा और आरती हुआ, प्रथम राउंड में बैनर की चोरी हो गई। बैनर की चोरी हुई, आपको जान के खुशी होगा कि हमको लगा कि यूनिवर्सिटी बैनर हटवा लिया। रजिस्ट्रार साहब दूसरे समाज से धर्म से आते हैं, बहुत लोग कहें, वो कहें पूरा खोज के तथ्य बता दिए कि हम लोग के यूनिवर्सिटी से कोई नहीं लिया। आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं, मन को सुकून देता है। थाना से बात किए, थाना कह इसकी चलिए आगे से नहीं होगा। फिर लगातार काम बढ़ा, कड़ाके की ठंड में जनवरी महीना में सबसे ज्यादा जिस दिन ठंड था खुला आसमान में, मतलब कि रात्रि में पाठ का समय से थोड़ा देर पहले उस पर पानी हिला दिया गया। आप समझ सकते हैं, जहाँ 6-7 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, 1 घंटा उसमें बैठना हो और नीचे जमीन भीज जाए, धार्मिक आस्था के कारण ही लोग जमीन पर बैठ के पाठ किए, थाना को सूचित किए, थाना आया भी, लेकिन मन मिजाज में परिवर्तन नहीं हुआ। थाना कहे समझा देंगे, और पुजारी जी पूज्य हैं, उनसे विवाद हम लोग नहीं चाहते थे, न चाहते हैं, चाहते थे कि ये आयोजन लगातार चलती रहे। कल तो हद हो गया, कल हमारे जो आयोजन से जुड़े सदस्य हैं कुछ बाहरी असामाजिक तत्व को बुला के उनको बेल्ट से पीट दिया। बेल्ट से पीटने के बाद आप जब समझ सकते, हजारों की भीड़ जुटती है, जब प्रारंभिक चरण में व्यवस्था चल रही थी उस समय 2-4 लोग 5 लोग थे, उस समय वो पीट दिया। हमको सूचना मिली, थाना को सूचना दिए, थाना भी पहुंचे, लेकिन उनके मिजाज में कोई अंतर नहीं आया। लड़ने वाला के खिलाफ में 3 बार हम आवेदन दे चुके हैं, तो लड़ने वाला को थोड़ा सा देखिए, नहीं देखेंगे तो हम लोग जान कमाने के लिए थोड़ी नहीं। इसके पीछे और ममता लग रही है, कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़ गए हैं और आप कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि मैं किसी तरह इस चीज को छोड़ दूं। हम पहले बताए थे कि आप लोग का सवाल में ये बात छुपा होगा, इसलिए प्रेस करके हम बता रहे हैं कि हम कहीं से कमजोर नहीं पड़े हैं और हम पुजारी से लड़ने की स्थिति में भी नहीं है। जहां हम भक्ति देखते हैं वहां पुजारी से लड़ना उचित भी नहीं समझते हैं। पुजारी को पूजते हुए हनुमान जी का भक्ति करेंगे, पुजारी जी का जो तकलीफ होगा उसे हम आपके माध्यम से दूर कर देंगे, थोड़ा सा प्रयास बताया। जी एक सेकंड, जो लड़का उतर के मारा था, दोनों मोटरसाइकिल पुलिस को सुपुर्द कर दिए, पुलिस थाना ले गई और दोनों मोटरसाइकिल जैसे पुलिस चाबी लगाए खुल गई। वो लगता है असामाजिक तत्व था,
उसका इतिहास क्या है वो तो प्रशासन बताएंगे। हम लोग घटना की सनह सूचना थाना को दे चुके हैं, लेकिन मोटरसाइकिल किनका था? वो व्यक्ति जो मारने वाले तो चिन्हित करना है, घटना दे दिए, वीडियो दे दिए, सारी बात की जानकारी दिए थाना, वहाँ से इंक्वायरी जो भी समझ में आए, हम तो बता रहे हैं कि थाना को जो समझ में आए, जब गाड़ी पकड़ के दे दिए कि ये गाड़ी है आपकी, ये दोनों गाड़ी से आए थे, यही मारपीट किए हैं, तो वो तो सारी बात बता दी। हम इतना ही कहे हैं कि पुजारी जी से वहाँ भक्ति के लिए जाते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं, आगे भी नहीं लड़ेंगे, केवल ये जो प्रशासन जिला प्रशासन हो और जो भी वहाँ सुरक्षा मुहैया करवा दे, असामाजिक तत्व आगे कोई बड़ी घटना नहीं घटावे। लेकिन जिस तरह से समाज में जागृति फैली और समाज के लोग इस आयोजन से जुड़ते चले गए, आप समझ सकते हजारों आदमी का भंडारा का व्यवस्था करना और उतना भीड़ आना किसी धार्मिक आयोजन में जो प्रत्येक हफ्ता होता है, बड़ा उपलब्धि था। समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ी और सारे लोग तन्मयता से संगठन में सेवा देने लगे। अब देखे होंगे कि दरी बिछाने का काम, पत्तल उठाने का काम, बर्तन धोने का काम, भंडारा निर्माण का काम सारे सदस्य लोग खुद करते हैं, सब संपन्न घर से आते हैं। बहुत अच्छा आयोजन था, सबके मन में एक विचार आया, इतना बड़ा आयोजन में बड़ी भीड़ जुटती है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, वहाँ सामने हनुमान जी, नीचे सारे भक्त एक समान है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, कोई भाषण नहीं है, किसी के लिए विशेष मंच की व्यवस्था नहीं है। जन्मोत्सव और विवाह उत्सव प्रत्येक घर में केक काटकर मनाने की प्रथा थी, लेकिन जब मनोकामना मंदिर प्रांगण के सड़क पर हम लोग जन्मोत्सव का मनाने का काम किए, लोगों में अच्छा प्रेरणा जगा, विवाह उत्सव भी हुआ। विवाह उत्सव के अवसर पर वर्णमाला की प्रथा दी गई, लोग में एक आकर्षण झलके, जन्मोत्सव वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होना प्रारंभ हुआ। कल के आयोजन में चार परिवार के लोग इस आयोजन से जुड़े, तो मेरा कहने का यह अर्थ है आपके माध्यम से जो जागृति हम लोग के अंदर था वो हम फैला चुके, लेकिन आप लोग का बहुत बड़ा पैमाना है। मीडिया के माध्यम से हम तमाम जनमानस से कहते हैं जो ये धर्म के हैं, अपने धर्म के प्रति जागरूक होइए, धार्मिक बनिए और समाज के लिए अच्छा सोच लाइए। 10 मिनट व्यस्तम समय से निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। जब हम समूह में प्रभु प्रार्थना करते हैं तो एक अलग ऊर्जा की अनुभूति होती है, ऐसा लगता है कि सामने प्रभु दिख रहा है। ये अनुभूति केवल हम लोग को मिले ऐसा भी सही नहीं है। समाज से आग्रह की है कि आप अपने निकट के